गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 प्रीपोजिशंस, है ना। प्रीपोजिशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस होता है या उससे पहले लगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसने लगा होता है कि ये अपना रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड के साथ उनका रिलेशन बताने का काम करता है कौन? प्रीपोजिशन, ठीक है, सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, द नेस्ट इज ऑन द ट्री, ठीक है। अब नेस्ट जो है उसका रिलेशन बताया गया ट्री से। कहाँ पर है ट्री? ट्री क्या है? नाउन है, नाउन से पहले लगा है ऑन, तो ऑन वर्ड क्या हुआ यहाँ पर? प्रीपोजिशन हुआ, है ना। तो नेस्ट एंड ट्री के बीच में रिलेशन बता रहा है ट्री के ऊपर, है ना, या एक ट्री के साथ इसका रिलेशन बता रहा है, ठीक है। कहाँ पर? तो ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर एग्स इन द नेस्ट, है ना। तो एग्स जो है, नेस्ट जो है वो क्या है? नाउन है, नाउन से पहले लगा है इन, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो नेस्ट, नेस्ट में है, एक कहाँ पर है? नेस्ट में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। जनरली अगर हम लोग देखें तो प्रीपोजिशन जो है उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन के अलग अलग टास्क हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो कैटेगरीज जो होती है इसकी प्रीपोजिशन की, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इनको डिवाइड किया गया है इनके मैनर के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या रखा है, प्रीपोजिशन जो होती है उनके कितने काइंड होते हैं? फाइव काइंड होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड डबल प्रीपोजिशन, थर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फिफ्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होती है? सिंपल प्रीपोजिशंस आर दोज विच आर कॉमनली यूज एंड डू नॉट नीड एनी एडिशनल वर्ड टू सपोर्ट दैम। सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होती है जो कॉमनली यूज की जाती है एंड उनको अपना मतलब कि सपोर्ट करने के लिए अदर वर्ड की जरूरत नहीं होती है। ऐसी प्रीपोजिशन क्या कहलाती है? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, अंडर, टिल, विद, एटसेट्रा, और भी कई सारी, ठीक है। सेकेंड, डबल प्रीपोजिशंस आर दोज विच आर फॉर्म्ड विथ टू वर्ड्स। डबल प्रीपोजिशन जो है वो डबल से समझ में आ रहा है, डबल प्रीपोजिशन वो होती है जो दो वर्ड से बनी होती है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ, टू वर्ड्स से, ड्यू टू, owing to, out of, ठीक है, कई सारे हैं यहाँ पर, है ना। तो जो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है उस प्रीपोजिशन को कहा जाता है डबल प्रीपोजिशन। थर्ड, कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रीफिक्सेस। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो प्रीफिक्स की हेल्प से बनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि प्रीफिक्स अबाउट, ठीक है, एब, आउट, ठीक है, इसमें प्रीफिक्स लगा है ना, बी साइड, बी प्रीफिक्स हुआ साइड, है ना, विथ, आउट, विथ और आउट, विथ क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। इस टाइप से कंपाउंड प्रीपोजिशन उनको कहा जाता है जो प्रीफिक्स से बनी होती है, प्रीफिक्स की हेल्प से बनी होती है, ठीक है। फोर्थ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स विच आर यूज्ड एज प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस वो होती है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जो किस रूप में यूज होती है? प्रीपोजिशंस के रूप में होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमको पता है इंजी फॉर्म आता है वर्ब का, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, टचिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, ये सारी के सारी कौन सी प्रीपोजिशन हुई? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हुई, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेज प्रीपोजिशंस आर दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर यूज एज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशन जो होती है वो वर्ड्स का वो समूह होता है या वो ग्रुप होता है जो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद, ठीक है, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, है ना, कई सारे वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर। देखो, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है। तो ये फ्रेज होते हैं, है ना, जो एक दो वर्ड का जो ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब कि दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो एक या एक से ज़्यादा वर्ड का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रीपोजिशन हुई? फ्रेज प्रीपोजिशन हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्या हुआ यहाँ पर? प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विथ मी, ठीक है, तो अलॉन्ग विथ क्या हुई? प्रीपोजिशन है, लेकिन कौन सी प्रीपोजिशन है? फ्रेज प्रीपोजिशन है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं। सम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी दिए हैं, जैसे एट द एंड ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, है ना, और भी कई सारे।
नेक्स्ट करेक्ट यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशंस, कुछ प्रीपोजिशन होती है ना, उनका करेक्ट यूज किस तरीके से किया जाता है। जैसे फर्स्ट दिया है बिसाइड, एक बिसाइड होता है एक बिसाइड्स होता है, ठीक है। बिसाइड का मीन क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ, मतलब बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में या साइड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी बिल्ट अवर हाउस बिसाइड अ टेम्पल, किसके साइड में बनाया है मकान जो है वो टेम्पल के बगल में, ठीक है। तो बिसाइड मीन्स क्या होता है बगल, ठीक है। तो बिसाइड भी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर बिसाइड्स हो गया, एस लग गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना, इन एडिशन मोर प्लस इंक्लूडिंग, है ना, मीन्स के अलावा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब और भी चीज को इसमें प्लस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही नोज जर्मन बिसाइड्स फ्रेंच, मतलब उसे फ्रेंच के अलावा जर्मन भी आती है, या फ्रेंच के साथ साथ जर्मन भी आती है, ठीक है। तो इसका इस टाइप से मीनिंग निकलता है। ऐसा नहीं आएगा कि फ्रेंच के बगल में जर्मन आती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, के अलावा। नेक्स्ट इज सिंस, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज किस लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या एग्जैक्ट टाइम जो बताया जाता है, ठीक है, निश्चित समय जो होता है उसके लिए किसका यूज होता है, सिंस का। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, निश्चित समय दिया है ना। अगर यहाँ पर दे दिया जाता है टू ईयर्स, ठीक है, इस टाइप से अगर रहता तो वो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, हमको एग्जैक्ट टाइम दिया है या निश्चित समय दिया है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। तो सिंस का यूज़ किस लिए किया जाता है, निश्चित समय बताने के लिए। फॉर जो है वो पीरियड बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स पीरियड बताया है, कितना टाइम है ना, तो किसका यूज़ होता है अपन, फॉर का, अनिश्चित टाइम, ठीक है, अनिश्चित टाइम या अनिश्चित समय बताने के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। अमंग, अमंग सभी को पता है, अमंग का यूज़ कब किया जाता है, अमंग यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन या टू थिंग्स से ज़्यादा अगर रहता है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स, है ना, अमंग माई फ्रेंड्स मतलब एक या दो तो फ्रेंड है नहीं, है ना, उससे ज़्यादा कई सारे फ्रेंड हैं, उनके बीच में मिठाइयाँ बांटी, ठीक है, तो अमंग का यूज़ किया। बिटवीन का यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन या थिंग के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है, टू से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे शेयर द एप्पल बिटवीन द टू बॉयज़, ठीक है, टू बॉयज़ आया था इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। बिटवीन मीन्स क्या होता है, बिटवीन मीन्स में भी होता है, बीच में भी होता है, ठीक है, बिटवीन और अमंग दोनों का मीन एक ही होता है। फोर बाय इज यूज्ड फॉर द एजेंट, बाय जो है वो एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है ना, और विथ का यूज़ इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ट्री वॉज कट बाय द मैन, किसके द्वारा काटा गया, एजेंट कौन है इसमें, मैन, तो हमने बाय का यूज़ किया। और किससे काटा, तो विथ, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ हुआ, एन एक्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिफ्थ इन यूज फॉर लार्ज प्लेसेस टाउन्स एंड कंट्रीज, इनका यूज लार्ज मतलब जो बड़े प्लेस होते हैं, बड़ी कंट्रीज जो होती हैं उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। एट का यूज स्मॉल के लिए या स्मॉल प्लेसेस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न एट साउथ हॉल इन लंदन, अब इन दोनों में देखो लंदन बड़ा है, लंदन में साउथ हॉल है, इसलिए हमने एट यहाँ पर लगाया और इन यहाँ पर लगाया, है ना। मान लो अगर हमको ये बोलना है कि भोपाल मतलब कि भोपाल जो है वो मध्य जैसे मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में रहती हूँ, या मैं भोपाल में मध्य प्रदेश में रहती हूँ, इस टाइप से मुझे अगर बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, आई लिव इन भोपाल नहीं बोलूँगी, अब मैं यहाँ क्या बोलूँगी, आई लिव एट भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इस टाइप से। तो बड़ा प्लेस क्या हुआ, एमपी, है ना, मध्य प्रदेश, तो हमने इन लगाया, और भोपाल छोटा है, भोपाल एमपी के अंदर, इसलिए हमने एट लगाया। तो छोटे प्लेस के लिए एट, बड़े प्लेस के लिए इन, ठीक है। इसी टाइप से ऑन, ऑन जो है वीक या मंथ के नेम से पहले लगाया जाता है, ठीक है, जो डेज होते हैं, है ना, मंथ के नेम होते हैं या डेज के नेम होते हैं उनके पहले लगाया जाता है, जैसे ऑन मंडे, ठीक है। इन कब लगता है, पीरियड के लिए लगाया जाता है, टाइम के लिए, ठीक है, इन एन आवर। एट कब लगता है, सब एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस बताया जाता है, ठीक है, एट 4 o'clock। बाय का यूज़ कब होता है, वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, द वर्क विल बी ओवर बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक यहाँ मीनिंग निकलेगा उसका, ठीक है। इनका यूज़ किस लिए होता है, इनका यूज़ उन थिंग्स के लिए होता है जो रेस्ट पोजिशन में हो, जैसे बॉक्स में पेंसिल है, ठीक है, तो बॉक्स में वो ऑलरेडी है, रेस्ट पोजिशन में, उसमें कोई मोशन या मूवमेंट नहीं है, है ना, तो हमने इनका यूज़ किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गर्ल ले इन हर रूम, गर्ल जो है वो लेटी हुई है उसके रूम में, ठीक है, लेटती है, तो ले यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी है ना, वो मोशन में नहीं है,
है ना, पहले से जो चीज रहती है अंदर उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन टू का यूज कब होता है, जब थिंग्स या पर्सन जो है वो मोशन में होते हैं उस समय यूज किया जाता है। जैसे द मैन जम्प्ड इनटू द माइटी रिवर, ठीक है, तो बाहर था, अब यहाँ पर मोशन हुई, बाहर से अंदर कोई चीज जाती है ना, उसमें जो मोशन होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं। बिफोर का यूज कब होता है, वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है ना, बिफोर इवनिंग, है ना। फॉर का यूज किस कब होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड बताने के लिए, 2 weeks पीरियड बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, 2 weeks 3 weeks 1 week, है ना, इस टाइप से। तो ये थी प्रीपोजिशंस, है ना, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, और जितनी आपसे हो जाती है उतनी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।